बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी का दिल जबलपुर। आज हम गणेश उत्सव जबलपुर में मना रहे हैं और भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है हर जगह। तो आज आपको जबलपुर में कुछ प्रमुख स्थान आपको दिखाएंगे, भाई बहुत ही सुंदर वीडियो बनेगा, आप जरूर देखें। इस समय हम जबलपुर के सदर एरिया पर आ चुके हैं। भाई यहाँ पर भी बहुत सारे गणपति जी रखे जाते हैं और इस समय समथिंग 12:30 बज रहे हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। कुछ ही मेन गणपति जी ही दिखा पाएंगे। देखिए आप, फर्स्ट में आपको सदर के महाराजा जी सामने आप दिख रहे हैं, भाई बहुत ही सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। और भी आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। भाई भीड़ का तो कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है क्योंकि 12:30 बज रहा है और भीड़ भाई बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और भी कोई। जी देखिए आप, भाई इनकी नक्काशी बहुत ही सुंदर की गई है। गणपति जी की सूंड में माता रानी को विराजमान किया गया है, भाई बहुत ही सुंदर आप सामने देख रहे हैं। भाई बहुत ही सुंदर मूर्ति इस समय तैयार की गई है, भाई बहुत ही सुंदर। सदर एरिया इतना बड़ा है कि भाई यहाँ पर भी जैसे नवरात्रि की धूम रहती है, उसी प्रकार गणेश उत्सव की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूम है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी लोग दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं गणेश उत्सव। वो देखिए सामने कितनी बढ़िया सजावट की गई है। अब देखते चलते हैं, यहाँ शिवम गणपति परिवार करके इनकी समिति है यहाँ पर। आप देखते हैं यहाँ पर भी बहुत सुंदर गणेश जी को सजाया गया है, क्योंकि यहाँ बताते हैं कि जो गौरा मैया हैं वो गणेश जी को अपनी गोद में उठाई, उसकी नक्काशी गणेश जी की सूंड में की गई है, भाई बहुत ही सुंदर। लोग बोलते हैं यहाँ के महाराजा, सदर के महाराजा या सदर के राजा कहे जाते हैं यहाँ पे, भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो चारों तरफ इतना सुंदर सजावट है कि क्या बताएं। देखते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमा रखी गई है। जी देखिए आप, सामने नीचे से गाड़ी लेकर ले ऐसा झूला टाइप का रूप बनाया गया, भैया बहुत बढ़िया। गणेश उत्सव समिति, भाई बहुत ही सुंदर, इनने भी बहुत बढ़िया पंडाल तैयार किया है गणेश जी का। अभी भी 1 बज रहा है मगर भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है सामने। अब मालवी चौक की तरफ ही आ चुके हैं। भाई सदर के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा घूम नहीं पाऊँगा क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। गणेश जी गणेश उत्सव आपको दिखा नहीं पाया मैं इस बार क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण, मगर नवरात्रि सीरीज़ में ज़रूर दिखाऊंगा आपको। बहुत ज़्यादा धूम रहेगी नवरात्रि इस बार, 2 साल बाद हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि जब सपोर्ट करते हैं आप तो मेरे को उत्साह बढ़ता है कि मैं वीडियो और भी बनाऊं आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊं। और इस बार मैंने नवरात्रि में बहुत अच्छा अच्छा सोचा है आप सबके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख रहे हैं सामने बहुत ही बढ़िया धनुष लेके, भाई बहुत बड़ी प्रतिमा है और इनका मैंने इंस्टाग्राम में भी इनकी रील डाली थी तो कई हजारों में गई है, कई लोगों ने देखी है और बहुत पसंद किया है। अब देखते हैं, अपन आगे चलते हैं और भी गणेश जी। जी देखिए हम अंकुर गणेश उत्सव समिति, यह सराफा बाज़ार जबलपुर में है। भाई इनकी मैं छोटे से प्रतिमा देखते हुए आ रहा हूँ, भाई बहुत ही सुंदर तैयारी करते हैं और भाई बहुत ही सुंदर पंडाल तैयार करते हैं। भाई लोग इनकी मूर्ति लोग दूर दूर से लोग देखने आते कि अंकुर गणेश जी में क्या रख इस बार क्या पैटर्न बनाया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर सीन होता था पर भीड़ के कारण सीन अब करना बंद कर दिया है। इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो भाई बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा पंडाल सजाया गया है और बहुत ही सुंदर। ये देखिए अपन कोतवाली में, भाई इतनी सुंदर प्रतिमा जो झूला में गौरी मैया गणेश जी को झुला रही हैं, भाई जी अपन जबलपुर के महाराजा, भाई बहुत ही सुंदर फेमस दरहाई में है जी। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा और जो बहुत पुराने गणपति जी हैं जो कई सालों से यहाँ पर विराजमान होते हैं, और उसी के बाजू में एक गणपति जी एक छोटे से बच्चे ने तैयार की गई थी, भाई उनका भी वीडियो यहाँ पर डालना बनता है। और जो
नव जागृति गणेश उत्सव समिति जब जुलूस निकलता है तो जो फर्स्ट नंबर पर रहती हैं। अब देखिए जो मन्नत वाले गणपति जी, भाई इनकी तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि भाई इनका यूट्यूब में इतने वीडियो भी डले हैं मन्नत वाले गणपति जी। आप जबलपुर सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि भाई इनका कुछ अलग ही रूप है। यहाँ पर आएंगे ना जब आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या वेव है यहाँ की, और बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है कि लाइटिंग में बहुत ही सुंदर दिखता है। और बेलबाग में रिद्धि सिद्धि के साथ यह गणपति जी विराजमान है, और उसी के आगे एक और मूर्ति है गणपति जी महाराज, बहुत बढ़िया, ये भी बेलबाग से रिलेटेड है, वहीं के एरिया की है मूर्ति, भाई बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं, जे बेलबाग के राजा कहे जाते हैं, क्योंकि समिति वालों ने वहाँ के बेलबाग के राजा के नाम से बताया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बहुत ही सुंदर यहाँ पे बनाया गया है। अब अपन नवज्योति गणित उत्सव दुर्गा समिति, यहाँ पे गणेश जी भी रखे जाते हैं और दुर्गा जी भी रखी जाती हैं, दोनों रखी जाती है, भाई बहुत ही सुंदर तैयार किया जाता है यहाँ पे भी, आप देख रहे हैं सामने। और भाई जी कृष्ण रूप की तो बात ही अलग है गणेश जी की, आप देख रहे हैं बंसी बजाते हुए गणेश जी इस समय दिख रहे हैं, भाई बहुत ही बढ़िया। जबलपुर के मूर्तिकार भाई बहुत ही फेमस है, एक से एक मूर्ति तैयार करते हैं गणेश जी की, इसके बारे में भी हमने आगे चल के आपको वीडियो दिखाया है। अच्छे अच्छे मूर्तिकार हैं जो बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाते हैं। अब देखिए हम आ गए हैं गड़ा फाटक, गड़ा फाटक में जो गणेश जी हैं वहाँ पर दो ही फेमस है, भाई देख रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा तैयार है, भाई बहुत ही सुंदर, हमेशा यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रतिमा और पंडाल तैयार किया जाता है। और एक और मूर्ति है जो सब जबलपुर के सबसे बड़ी मूर्ति कहलाती है, अब जी के फूल मंडी, पुरानी फूल मंडी के तरफ ही आए हैं भाई, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया राम जी के रूप में यह मूर्ति तैयार की गई है गणेश जी की, भाई बहुत बढ़िया। भाई मैं ऐसा वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, मैं कुछ कारणवश से इस बार नहीं ले पाया, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अब हम इस समय दमोनाका बस स्टैंड में आ गए हैं, यहाँ भी भाई बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।